दोस्तों हम जो है तो ये जबलपुर के रेलवे स्टेशन में आ चुके हैं और आपको इस यात्रा के बारे में दिखाते हैं। ये देखिए रेलवे स्टेशन, ये जबलपुर का रेलवे स्टेशन है। अब इसके बाद जो है तो हम अंदर की तरफ चल रहे हैं और ये पूरा व्यू आपको इस माध्यम से दिखाते हैं। ये देखिए क्या सुपर व्यू है। इस समय जो है तो कुछ और नए तरीके से ये कुछ डेवलप हो गया है, जिसके कारण यहाँ का ये लुक जो है तो अलग ही तरीके का दिख रहा है। ये देखिए क्या सुपर तरीके का ये रेलवे स्टेशन है। ये जो है तो जंक्शन है और यहाँ पे जो है तो काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट भी है, इसके कारण यहाँ पे अच्छी व्यवस्थाएं भी दिख रही हैं। अब हम चल रहे हैं टिकट काउंटर की तरफ और वहाँ से टिकट लेंगे और उसके बाद ये यात्रा संपन्न करेंगे। ये देखिए दोस्तों, ये है यहाँ पर परिसर और इसके आगे अब हम जा रहे हैं ये टिकट लेने के लिए और यहाँ पे अब हम टिकट लेंगे और इसके बाद जो है तो इस यात्रा को और आगे की तरफ बढ़ाएंगे। ये है दोस्तों टिकट काउंटर और अब हम जो है तो यहाँ से ये टिकट लेने के बाद ये रेलवे स्टेशन से जो है तो अंदर की तरफ चल रहे हैं और इसके बाद अब हम जाएंगे रेलवे स्टेशन 2 नंबर की तरफ और इसके बाद वहाँ से फिर अपनी ट्रेन पकड़ेंगे और इसके बाद इस यात्रा को और आगे की तरफ सम्पन्न करेंगे। दोस्तों अब हम और आगे की तरफ चल रहे हैं और ये देखिए पूरा ये नज़ारा है रेलवे स्टेशन का और सारा ये पूरा व्यू है। यहाँ पे काफ़ी सारी ट्रेनें और सब चीज़ें उपस्थित हैं जो कि बहुत ही आकर्षक हैं। अब हम ये लिफ्ट की तरफ चल रहे हैं और लिफ्ट के सहारे जो है तो आगे की तरफ चलेंगे और इस यात्रा को और आगे दिखाते हैं क्या कैसे हो रहा है। दोस्तों ये आ चुके हैं हम लिफ्ट के पास। अब यहाँ पर जो है तो ये लिफ्ट का सहारा लेते हुए हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। दोस्तों ये लिफ्ट आ चुकी है, अब ये जो है तो हम अंदर एंटर कर चुकने वाले हैं और इसके बाद जो है तो अब हम आपको ये पूरा व्यू दिखाते हैं। दोस्तों ये हम अंदर आ चुके हैं, लिफ्ट के अंदर ये आ चुके हैं। अब इसके बाद जो है तो हम आपको ये पूरा व्यू दिखाते हैं क्या कैसे होता है। अब ये देखिए दोस्तों, ये जो है तो हमारी लिफ्ट चलने वाली है, ये चल दी और इसके बाद जो है तो ये हम ऊपर की तरफ आ चुके हैं और आपको दिखाते हैं क्या कैसा है ये व्यू। दोस्तों ये जो है तो एक एग्जिट डोर भी है, इसके द्वारा रेलवे स्टेशन के बाहर भी जाया जा सकता है, पर हमको जो है तो यहाँ से लेफ्ट साइड ले कर आगे की तरफ बढ़ना पड़ेगा और इसके बाद हम अपने स्टेशन की तरफ चल रहे हैं। ये अब हम जो है तो 2 नंबर के रेलवे स्टेशन की तरफ चलते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और आपको ये पूरा व्यू दिखा रहे हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे काफ़ी सारी भीड़ है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जंक्शन होने के कारण और रेलवे का आना जाना काफ़ी होने के कारण बहुत ही ज़्यादा पैसेंजर आते हैं, इस कारण से काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो रही है। अब ये देखिए कोई दौड़ता हुआ जा रहा है, किसी की ट्रेनें छूट रही हैं तो किसी की और सारी कुछ काम है, इनके कारण जो है तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चहल पहल बनी हुई है और पब्लिक की जो ये भीड़ है ये बहुत ही ज़्यादा आकर्षक सी भी लग रही है और बहुत ही व्यवस्थित ढंग से यहाँ पे जो संचालक हैं उनको भी मैनेज किया जा रहा है। देखिए यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ का ये आकर्षक दृश्य जो है तो मन को बहुत ही अचंभित सा कर रहा है। दोस्तों अब हम ये आ चुके हैं 2 नंबर के रेलवे स्टेशन पर, अब यहाँ से हम जो है तो लोकल ट्रेन को पकड़ेंगे और आगे के रूट की तरफ हम लोग भी यहाँ पे चलेंगे। दोस्तों ये यात्रा हमारी आज की बहुत ही सुहानी होने वाली है और हम जो है तो यहाँ से लोकल ट्रेन पकड़ने के बाद आगे की तरफ बढ़ेंगे। दोस्तों अब हम आ चुके हैं उस लोकल ट्रेन के पास जहाँ से हमको इस यात्रा को शुरू करना है। ये है दोस्तों 2 नंबर का रेलवे स्टेशन, यहाँ से हम जो है तो इस ट्रेन को पकड़ने के बाद आगे की तरफ अपनी यात्रा को बढ़ाएंगे। दोस्तों एक बात तो कहूँगा, ये रेलवे स्टेशन जो है तो बहुत ही आकर्षक भी है। और दोस्तों फाइनली अब हम जो है इंटरसिटी में आ चुके हैं और आपको जो है तो इस यात्रा के बारे में पूरा दिखाते हैं कैसे क्या हमारी ये यात्रा रही और कुछ जो भी उन चीज़ों को हम यहाँ पर आपको बताएँगे। दोस्तों अभी हम आए हुए थे जबलपुर घूमने के लिए, उसी में इस यात्रा के दौरान मैं ये ब्लॉग तैयार करता हूँ और उसी में आपको ये बताऊँगा क्या कैसे यहाँ पे हुआ और जो कुछ भी चीज़ें यहाँ पे हुई उन सब चीज़ों का अनुभव आपको इस वीडियो के माध्यम से करवाऊँगा।
अभी ये था मेरा ये पूरा अनुभव जिसके द्वारा मैं जो है तो इस यात्रा में यहाँ तक पहुँचा, और उन सब चीज़ों को आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं ऐसे ही दिखाता रहूँगा। दोस्तों एक बात तो है कि लोकल ट्रेन में यात्रा करना और उन सब चीज़ों को हैंडल करना जो कि नॉर्मल तरीके से होती हैं उनको हैंडल करना बहुत ही कुछ सीखने को मिलता है। यहाँ पे आपको हर एक चीज़ें जो है तो परफेक्ट तरीके से तो नहीं मिलती हैं, पर जो भी नॉर्मल तरीके से मिलती हैं उनको भी हैंडल करते हुए अपनी यात्राओं को आगे बढ़ाना बहुत ही अनुभव भरा ये जो है तो एक्सपीरियंस होता है। इसमें जो है तो अन्य सारी चीज़ें भी उपस्थित होती हैं, जैसे कहीं कुछ भी हो सकता है, और उन चीज़ों को भी हैंडल करते हुए आपको जो है इस यात्रा को बहुत आगे तक बढ़ाना पड़ता है। इन सब चीज़ों को भी इस यात्रा में बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। ये है दोस्तों रेलवे स्टेशन, जबलपुर का रेलवे स्टेशन का ये लोकेशन है। देखिए क्या खूबसूरत है। खैर ये तो जंक्शन है और बहुत ही बड़ा डिवीज़न होने के कारण यहाँ पे डेवलपमेंट तो बहुत अच्छे तरीके का है। इन सब चीज़ों को देखते हुए बहुत ही अच्छा लग रहा है दोस्तों। ये हमारी इंडियन रेलवे है, इसकी व्यवस्थाएँ और उन सब चीज़ों को जो कि आज की गवर्नमेंट भी करती हैं और आगे आने वाली गवर्नमेंट भी डेवलपमेंट करती रहेंगी, उन सब चीज़ों में देखा जाए तो सभी चीज़ें अच्छी खासी बैलेंस रूप से यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, और उन चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज भी किया जा रहा है। यहाँ पे देखा जाए तो सफाई को, पानी को, या और सारी जितनी भी समस्याएं होती हैं उनको भी यहाँ पे फुलफिल किया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा, और आज की जो आम पब्लिक है वो भी इतनी जागरूक हो चुकी है उन सब चीज़ों को प्रॉपर तरीके से बैलेंस करती हुई और अपनी अपनी यात्रा को बहुत अच्छे तरीके से बनाए रखती हैं। एक बात तो कहूँगा कि आज की जो जनरेशन है वहाँ पे जो है तो हर एक चीज़ों को लोकल पब्लिक भी समझने लगी है कि क्या चीज़ों को हमको केयर करना चाहिए और किन चीज़ों को केयर नहीं करना चाहिए। इसलिए वो सही और गलत का डिसीज़न तो बहुत अपने तरीके से ले ही लेते हैं। इसलिए अब जो भी चीज़ें यहाँ पे सरकार के द्वारा बनाई जाती हैं वो दोस्तों ये रहा मेरा ब्लॉग। आप अब देख ही रहे हैं लोकेशन क्या कैसी है और कैसे सिचुएशन है। यहाँ पे अब हम जो है तो ट्रेन को लेते हुए, लोकल ट्रेन को लेते हुए सतना के रास्ते जो है तो जाने वाले हैं और उन सब चीज़ों को अनुभव करने वाले हैं जो कि हम जो है तो डेली रोज़मर्रा की लाइफ में करते हैं। उन सब चीज़ों का भी अनुभव बहुत ही अनुभव अच्छा होता है। उन सब चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से स्ट्रगल करते हुए और अपने लाइफ और रूटीन को संभालते हुए यहाँ पर जो है तो चलना पड़ता है। उन सब चीज़ों को हम इस वीडियो के माध्यम से आपको दिखाना चाहते हैं। अभी यहाँ पर 20 मिनट का टाइम है जिसके बाद जो है तो ये ट्रेन हमारी आंगली रूट की तरफ चलेगी, और उस अनुभव को हम आपको इस वीडियो के माध्यम से लगातार दिखाते रहेंगे। अब देखिए दोस्तों क्या कुछ अनुभव है यहाँ पे। यहाँ पे जो है तो टाइमिंग बहुत ही पंक्चुएशन होता है, क्योंकि अब आप भी जानते हैं कि यहाँ पे जो है तो रेलवे में हर एक चीज़ जो है तो टाइम टू टाइम होती है। इसीलिए यहाँ पे अभी 20 मिनट का टाइम बाकी है, तो उसी में अभी हम जो है तो वेट कर रहे हैं। इसके बाद हमारी ये ट्रेन चलेगी, उसके बाद जो है तो हम ये पूरा अनुभव आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाते रहेंगे। अब ये देखिए पूरा व्यू है, यहाँ पे जो है तो ट्रेन की जो चलने की तैयारी है वो दिख रही है। पब्लिक जो है अपने आप में जो है तो मैनेजमेंट करती हुई इस यात्रा को बहुत अच्छे तरीके से बना रही है। ये देखिए दोस्तों यहाँ का पूरा व्यू है, सुपर तरीके का व्यू है, और हमारी यात्रा भी बहुत अच्छे तरीके से होने वाली है। अभी शाम का टाइम है, हल्का ठंडी का मौसम भी हो चुका है, और इसके बाद जो है तो जैसे ये ट्रेन चलेगी तो वहाँ पे जो है तो ठंडा मौसम कुछ तो हो ही जाता है। उसी के व्यू के कारण जो है तो ये यात्रा हमारी बहुत अच्छी होने वाली है दोस्तों। तो यहाँ पे प्लेटफॉर्म में कुछ ट्रेनें जो जा रही हैं जो हमारे बैकग्राउंड के पीछे जा रही हैं, देखिए बहुत सारी ऐसी फीलिंग है जो कि जो है तो इस यात्रा को सुपर बनाती है और ये क्रिएटिव लेके आती है। दोस्तों एक बात तो कहूँगा कि ये जो है तो जंक्शन है, यहाँ पे जो है तो हर समय जो है तो ट्रेनों का आना जाना बना ही रहता है। इससे ये तो नहीं कहा जा सकता कि क्या कैसे यहाँ पे बैलेंस किया जाएगा। ये बड़े स्टेशनों में जो है तो लोकल ट्रेनों को फाइंड करना और सुपर फास्ट को फाइंड करना, ये सब चीज़ें जो है थोड़ी टफ ही पड़ती हैं। आम नागरिक के लिए जो कि डेली यात्रा नहीं करते हैं उन लोगों को ये सब चीज़ें कठिन भी लगती हैं। ऐसे में जो है तो उनके लिए ज़रूर मुश्किल का समय हो जाता है, तो उनको मालूम ही नहीं पड़ पाता कि कौन सी ट्रेन किधर को जाएगी, इसलिए जो है तो वो बेचारे थोड़े बहुत भटक जाते हैं। पर ऐसा भी नहीं है, आज की जो पब्लिक है वो सब जानती है और उन सब चीज़ों को हैंडल भी करना अब आज की जनरेशन के हिसाब से ठीक ही हो गया है।
क्योंकि यहाँ पे पढ़े लिखे होना भी ज़रूरी है, उसके साथ जो है तो एक्सपीरियंस का होना भी ज़रूरी होता है। इस हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि जो बेचारे ऐसे भी होते हैं जो पढ़े लिखे नहीं होते, लेकिन वो यात्रा करते करते इतने अनुभवी हो जाते हैं कि उनको इन सब चीज़ों को हैंडल करना भी बहुत सरल लगने लगा है। और ऐसे ही जो है तो ये अनुभव हैं, उन चीज़ों को हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखा रहे हैं। बस 5 मिनट का और टाइम है दोस्तों, इसके बाद हमारी जो है तो यात्रा यहाँ से चालू होगी और उन सब चीज़ों को हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाते रहेंगे। ये हमारी जर्नी शाम का टाइम होने के कारण और ठंडा मौसम होने के कारण खैर बहुत अच्छी होने वाली है। यहाँ पे हम जो है तो लोकल ट्रेन का जो यूज कर रहे हैं उसमें हमको ये बात का भी फ़ायदा है कि यहाँ पे जो है तो जो लोकल ट्रेनें हैं उनके द्वारा लोकल ट्रेनें या लोकल स्टेशनों का जो अनुभव होगा उन सब चीज़ों को भी हम यहाँ से आपको जो है इस वीडियो के माध्यम से और खुद जो है तो इन चीज़ों को फील करते हुए आगे की तरफ यात्रा करेंगे। एक बात तो कहूंगा दोस्तों कि जब से लॉकडाउन लगा है हमारी जो है तो इंडियन रेलवे की व्यवस्थाएं जो हैं तो और डेवलप होती गई हैं, क्योंकि यहाँ पे एक बेसिक नीड भी थी, क्योंकि हर एक लोगों का आना जाना रहता है और हर एक तरह से चीज़ों को हैंडल करना होता है। पहले की जो व्यवस्थाएं थी वो तो खैर बहुत ज़्यादा खास तो नहीं कहूँगा, लेकिन आज के हिसाब से जो भी ट्रेनें थी वो जो है तो प्रॉपर चलने लगी, जिससे आम नागरिक को बहुत अच्छा खासा इस चीज़ का फ़ायदा होता है। दोस्तों फाइनली अब हमारी ट्रेन चल चुकी है, उन सब चीज़ों को हम आपको दिखाते रहेंगे। ये देखिए दोस्तों, ये है हमारी जर्नी का ये सफ़र व्यू, इसमें जो है तो ट्रेन अब चल चुकी है, उन सब चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे मैनेज भी किया गया। टाइमिंग का खैर ये बात तो कहूँगा कि टाइमिंग सुपर थी यहाँ पे। सभी यात्रियों का आना जाना लगा हुआ है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि यात्रा को बहुत सरल और सुगम भी बना रही है। दोस्तों फाइनली अब हम जो है तो प्लेटफॉर्म को छोड़ चुके हैं और यहाँ पे ट्रेन की स्पीड अब थोड़े थोड़े बढ़ रही है और उसी के माध्यम से अब हमारी यात्रा आगे की तरफ बंद की जाएगी। अब ये देखिए दोस्तों, ये यहाँ का पूरा सुपर व्यू भी है और ऐसे में यात्रा करना बहुत ही अच्छा लगता है। और ये ठंडा मौसम भी है जिसके कारण जो है तो बहुत ज़्यादा यात्रा करने में परेशानी भी नहीं आ रही है। ये है सुपर व्यू, देखिए दोस्तों यहाँ पे काफ़ी सारी ट्रेनों का आना जाना लगा हुआ है और ये है सुपर व्यू दोस्तों, ये प्लेटफॉर्म का सुपर व्यू है, बहुत ही आकर्षक सा भी लग रहा है। ये देखिए दोस्तों, ये है पूरा गोडाउन जो कि यहाँ पे रेलवे के कुछ काम होते हैं वहाँ पे बन के और आगे की तरफ बढ़ते हैं। और ये देखिए यहाँ पे रेलवे इंजन वगैरह आना जाना लगा हुआ है, किस तरह से ये अनुभव है, ये बहुत ही आकर्षक सा अनुभव लग रहा है दोस्तों। ऐसे में यात्रा करना बहुत ही आसान सा लगता है और बहुत अच्छा भी लगता है। ये देखिए कुछ ये व्यू भी है, ये क्या सुपर व्यू है। खैर बाजू में ये ट्रेन खड़ी हुई है और बाइक से हमारी जो है तो ये ट्रेन गुजर रही है, तो ऐसे में भी एक अलग ही एक्सपीरियंस फील हो रहा है। दोस्तों अब ये देखिए, ये व्यू है सुपर व्यू है, यहाँ पे जो है सभी पैसेंजर अपने तरीके से बैठे भी हुए हैं और यहाँ पे जो है तो हमारी यात्रा भी बहुत अच्छी हो रही है। अब देखिए किस तरह से हमारी यात्रा यहाँ पे होती है, उन सब अनुभवों को हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताते रहेंगे। ये लोकल ट्रेन पे अभी हम जो है तो यात्रा कर रहे हैं दोस्तों, और ये हमारा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा क्योंकि अभी तक का जो रिजल्ट था बहुत ही अच्छा रहा, क्योंकि यहाँ पे ट्रेन में भी बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं आई है और वो टाइम से यहाँ पे चलने के लिए तैयार थी। अब ये रेलवे स्टेशन से बाहर निकल चुकी है और अपनी स्पीड को बढ़ाती हुई आगे की तरफ बढ़ रही है। अब ये देखिए दोस्तों, ये बाहर का व्यू है, ये सुपर व्यू है, यहाँ पे हरियाली है, ये पूरा वातावरण है जो कि बहुत ही आकर्षक है और ऐसे ट्रेन में देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। देखिए क्या सुपर व्यू है, ये यहाँ का ये सुपर व्यू बहुत ही आकर्षक है। और ये देखिए पटरियों का किस तरह से ये चलना, ये सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है। ये देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे ट्रेन जो है बहुत स्पीड पकड़ चुकी है
और देखिए यहाँ पे पीछे तरफ ये जो बैकग्राउंड है यहाँ पे कुछ अब दिखता नहीं है, सब चल गए जो है तो धुआं धुआं का चल रहा है। कहूँगा ऐसी यात्रा करने में खैर मन जो है तो अलग ही फीलिंग लेता है, ऐसे में यात्रा करना बहुत ज़्यादा परेशानी भी नहीं आती है और बहुत ही इंजॉयफुल ये यात्रा भी होती है। ये दोस्तों शाम का टाइम हो रहा है, अब यहाँ पे दिन भर जैसा लगा है और जो है तो ये यात्रा हमारी आगे बढ़ती जा रही है। सफ़र जो है दोस्तों और इस तरह की यात्रा करने में बहुत ही आनंद का अनुभव भी होता है। ऐसी यात्रा चाहे आप कितना भी करते रहो बहुत ज़्यादा थकान भी फीलिंग होती है और एक नए तरह की ये जर्नी भी क्रिएट होती है। एक बात तो कहूँगा दोस्तों कि बाहर का जो व्यू है इसको देखने से बहुत अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि आप ऐसे इन व्यू को देखते हुए अपनी यात्रा को जो है तो आगे आप बढ़ाते रहोगे, बहुत ज़्यादा परेशानी भी नहीं आएगी और आपको जो है तो टाइम का भी बहुत ज़्यादा अंदाजा नहीं करता। आप वैसे तो फ़ोन वगैरह या और सारी चीज़ों के माध्यम से अपना टाइम काट तो लेते हो पर ऐसे व्यू जो देखते हो ऐसे जो व्यू का एंजॉय होता है वो तो बहुत ही आकर्षक होता है। और ये देखिए दोस्तों यहाँ पे जो है तो बहुत ज़्यादा ही गर्मी सा लगा है, अब बाहर का व्यू जो है तो बहुत ज़्यादा तो क्लियर नहीं आता होगा पर जितना भी आ रहा है वो बहुत खूबसूरत तरीके का है। दिन भरने के बाद जो है तो अब यहाँ पे कैमरे वगैरह भी काम भी नहीं कर पाएगा, इस कारण से मैं आपको बाहर का व्यू नहीं दिखा पाऊँगा पर आप ये देखिए दोस्तों ये पूरा सफ़र व्यू है, आकर्षक सा व्यू है। यहाँ की जो प्राकृतिक वातावरण है उन सब चीज़ों को बाहर देखते हुए बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। ये देखिए कितना ये इनक्रेडिबल व्यू है, ऐसे में यात्रा करना और उन सब चीज़ों को फील करना बहुत ही आकर्षक सा लग रहा है। एक बात तो कहूँगा दोस्तों कि लोकल ट्रेन में जो ये मार्केट वाला सिस्टम हुआ करता है वो थोड़ी कम सा लग रहा है मेरे को, जैसे कभी चाय बेचने वाले आते हैं तो कभी कोई कुछ आते हैं, इन सब चीज़ों की थोड़ी सी शांति रहती है। नहीं तो वैसे तो आप जो है तो हर एक ट्रेनों में देखोगे तो कोई चाय बेचने आएगा तो कोई कुछ करेगा तो कोई कुछ करेगा, इस तरह से व्यापार तो उनका चलता है लेकिन आम जो पब्लिक होती है जो यात्रा करती है उनका भी कहीं ना कहीं मन जो है तो उन्हीं पर लगा रहता है। और ऐसी लोकल ट्रेनों में क्या होता है कि ऐसी दूरियाँ कम होती हैं तो पैसेंजरों को इन सब चीज़ों की ज़रूरत कम होती है, इस कारण से ऐसे व्यापार करने वाले लोग जो है तो कम आते हैं। और ये यात्रा जो है तो ऐसे में शांत माहौल से जो है तो यात्रा करना बहुत ही अच्छा सा लग रहा है। दोस्तों अब हम आ चुके हैं कटनी स्टेशन में और आपको दिखाते हैं पूरा व्यू, ये सुपर व्यू है। देखिए किस तरह से अब ये हमारी ट्रेन जो है तो रात्रि का समय होने के चलते इसके बाद भी जो है तो ये कटनी पहुँच चुकी है और ये है पूरा व्यू। काफ़ी सारा स्टेशन खाली सा नज़र आ रहा है और इसके बाद भी यहाँ पे अब तो ये रेलवे स्टेशन ही है तो यहाँ पे दिन और रात का कोई मैटर भी नहीं करता है, इसलिए यहाँ पे पैसेंजर का आना जाना बना ही रहता है। अब ये देखिए सुपर व्यू है। खैर दोस्तों ये बात तो कहूँगा, देखिए वो गजब गजब। एक बात तो है दोस्तों कि ये रात्रि के समय में ये सब जो है तो जो लाइटिंग की व्यवस्था होती है और सारी चीज़ें होती हैं ऐसे में यात्रा करना या स्टेशन में रुकना कहीं बोर नहीं लगता है। दोस्तों अब ये देखिए है नाइट का व्यू, यहाँ पे जो है तो काफ़ी शांति है और यात्रा चलती जा रही है। कम्प्लीट करते हुए आगे की तरफ पहुँच चुके हैं और इसके बाद जो है ऐसे तक हमारी यात्रा बढ़ती जाएगी और इस वीडियो में हम आपको दिखाते रहेंगे। दोस्तों ये लोकल ट्रेन में यात्रा करना खैर बहुत ही अच्छा लगा, इसमें जो ये शांत वातावरण है सभी लोग जो है तो अपने दिल से लेके बैठे हुए हैं और ना ही ज़्यादा इसमें शोर हो रहा है और ना ही कुछ ज़्यादा वो हो रहा है। अरे नाइट का समय है इस कारण से ज़्यादा पैसेंजर का आना जाना भी हिसाब से ही रहता है और ये यहाँ की लोकल ट्रेन कहलाती है। यहाँ की जो है तो सर्विस या ड्यूटी जॉब करने वाले सभी लोगों का आना जाना इसमें बना रहता है, इसीलिए ये शेड्यूल के टाइप में ये ट्रेन चलती है और इसमें ज़्यादा बहुत ज़्यादा ऐसा आप समझ लीजिए कि लोकल चहल पहल कम होती है, इस कारण से इसमें जो है यात्रा करना भी एक तरह से सही ही कहलाएगा।
अभी हमने जो है तो ये कटनी स्टेशन पार किया है। इसके बाद जो है तो और आगे की यात्रा हमारी बढ़ती ही जा रही है और ऐसे तैसे हम जो है तो अपने स्टेज पे यानी पहुंचते ही जा रहे हैं। जो स्टेशन में हमको पहुंचना है वो टारगेट जो है वहाँ पे हम पहुंचने का काम कर रहे हैं। दोस्तों अभी जो है तो ये 7:30 बजने का टाइम है और अप्रॉक्सीमेट 1 घंटे के अंदर अंदर हमको जो है तो ये मैहर स्टेशन और सतना की तरफ जो है तो पहुँचाने का काम करेंगे। यहाँ पे रात्रि का समय है और यहाँ पे जो ठंडी का मौसम है इसमें जो है तो थोड़ी बहुत परेशानियाँ भी आ रही हैं, पर ऐसी भी ठंडी अभी खैर नहीं है जिससे जो है तो लोग परेशान हो सकें। थोड़ी बहुत ठंडी है उसको एडजस्ट करना भी अभी लोगों की कैपेसिटी के अंदर आता है। इस कारण से काफ़ी लोग जो है तो परेशान भी नहीं हो रहे हैं और ऐसे समय में यात्रा करना भी बहुत कठिन काम सा नहीं लग रहा है। दोस्तों ये जर्नी जो है तो बहुत ही आकर्षक सी रही, ऐसा हमको फील होता है। ये जो जर्नी है अन्य सभी जर्नियों की अपेक्षा जो है तो ठीक ही चल रही है। इसी तरह से ये जर्नी आगे की तरफ बढ़ रही है और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये पूरी जानकारी देता ही जा रहा हूँ।